अरे वाह, पतिदेव भी आ गए। अरे भाई कोई कुर्सी लाओ, हमारे साथ बैठकर अपनी पत्नी का चीरहरण देखेंगे। हमने कहा था ना तुमसे कि हम इन लोगों से जीत नहीं सकते, कहा था ना तुमसे कि यहाँ पर आना, मामला निपटाना और वापस घर आ जाना, तो हमारी बात मानी क्यों नहीं तुमने? वाह, देखा चकोर, तुम्हारे पति देव कितने समझदार हैं। कम से कम उनकी इज्जत के बारे में सोचकर अपना आंदोलन बंद कर दो। तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए थी। अपनी बात हमसे मनवा लेनी चाहिए थी। कल हमने जो कुछ भी कहा गलत कहा ना, तो फिर तुमने हमें रोका क्यों नहीं? चकोर, हम अपनी बच्ची का चेहरा देखकर डर गए थे। डर लग रहा था हमें इन बड़े बड़े लोगों से, लेकिन तुम तो नहीं डरी थी ना, तो तुमने हमारी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ाई? हम कुछ पूछ रहे चकोर, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं बनी? तुम बोलो। बच्चा पांडे, इसी हाथ से हमारी बच्ची को छुआ था ना तूने? हमारी बीवी की इज्जत पर यही हाथ डालना चाहता था ना तू? चीर हरण करेगा दुशासन है तू। भूल गया दुशासन का क्या हाल हुआ था? देख ले इस हाथ को, अच्छी तरह से देख ले। हाथ से तूने हमारी बीवी का आंचल पकड़ा था, क्योंकि आज के बाद जब भी तू ये हाथ देखेगा, तुझे सिर्फ एक नाम याद आएगा, सूरज राजवंशी, सूरज राजवंशी, सूरज किस्मत अच्छी है, जिंदा छोड़ रहे हैं तुझे, क्योंकि हमें अपने परिवार से बहुत प्यार है, उनका भविष्य खराब नहीं करना चाहते हम। लेकिन अपनी मालकिन को अच्छी तरह से समझा देना कि हमारे अंदर के जानवर को ना जगाए, क्योंकि अगर वो जानवर जाग गया तो तुम सबको कच्चा चबा जाएंगे हम, कच्चा। अब ये बात अच्छे से सुन ले, चकोर अकेली नहीं है, उसके साथ उसका पति है सूरज राजवंशी। अब ये लड़ाई वो अकेली नहीं लड़ रही है, उसके साथ हम हैं, हमारी ताकत है, हमारा पैसा है, आजाद गंज है और आजाद गंज के लोग हैं, तो सब तेरे साथ लड़ेंगे, अपना लोहा दिखाएंगे तुझे और तुझे आजादगंज से दूर उठाकर फेंकेंगे।
तेरे जैसे घटिया इंसानों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो इंसानों की आत्मा तक को बेच देते हैं उनकी तो की जरूरत नहीं है, जो इंसानों का मांस खाते हैं। चकोर, अभी तो इस पाखंडी औरत का सिर्फ आधा मुंह काला हुआ है, इसका पूरा मुंह काला करेंगे हम। तुम्हें और तुम्हारे काले धंधे को खत्म कर देंगे हम। मैडम पानी से साफ कर दो। ले जाओ इसे, वरना तुम्हारे खून से अपना मुंह धोऊंगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय हो खप्पर वाली, जय मुक्ति, मुक्ति तो माँ, ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी। इसी तरह चकोर के लोग और चकोर रोएंगे, रोएंगे विक्रम, और हमसे रहम की भीख मांगेंगे, पर हम दया नहीं करेंगे। ऐसी जिंदगी देंगे जिससे मौत भी अच्छी होगी। उसके लोग उसकी हालत देखकर कांप उठेंगे, नवरात्रि के दिनों में जागरण करेंगे, दुर्गा माँ से प्रार्थना करेंगे कि उसकी दर्दनाक जिंदगी से तो अच्छा है उसे मौत मिल जाए, पर मौत नहीं मिलेगी, उसे नहीं मिलेगी मौत। उसने हमारे ऊपर मिट्टी डालकर हमारे मुंह पर कालिख पोती है। हमने उस चकोर की जिंदगी को नरक ना बना दिया। मां दुर्गा की कसम, हमारा नाम राजेश्वरी देवी नहीं। वो लोग पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहे, वो चकोर और उसका पति सूरज। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप कंप्लेन क्यों नहीं लिख रहे हमारी? हमें लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप जानते हैं ना, आप राजेश्वरी जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। राजेश्वरी देवी और उनके साथ काम करने वालों की बिल्कुल छवि साफ है। हमने आज तक उनके खिलाफ किसी को बुरा बोलते हुए नहीं सुना। लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग डरते हैं उससे। उनका डर जायज है सूरज जी। राजेश्वरी देवी बहुत पावरफुल है, ये बात समझिए। ये आप हमें बता रहे हैं, हमें धमका रहे।
भला हम आपको क्यों धमकाएंगे चकोर चौक? हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं, हमारी बात मानिए, जग हसाई के सिवा आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। आप लोग उन लोगों से दुश्मनी मोड़ लेकर अपने आप को और अपने परिवार को खतरे में क्यों डालना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आ। हमारा परिवार सिर्फ वो नहीं है जो हवेली में रहता है, हमारा परिवार वो भी जो पूरे आजादगंज में रहता है। और अगर बात हमारे आजादगंज की हो तो हम कभी पीछे नहीं हटे। पर आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आप हमारे परिवार की चिंता मत कीजिए। आप प्लीज वो रिपोर्ट लिखिए जो हम आपसे कह रहे हैं। राजेश्वरी देवी के गुनाहों के चश्मदीद गवाह हम और सूरज हैं। उन्होंने हमारी आंखों में आंखें डालकर देखकर कहा कि वो मासूम बच्चियों का अपहरण करवा उन्हें बेचती और उनके ये सारे कारनामों उनका साथ देता है उनकी पार्टी का वो युवा नेता बच्चा पांडे। इतना ही नहीं, टुनटुन की हत्या के पीछे भी राजेश्वरी देवी और बच्चा पांडे का हाथ। वो वहां नहीं रुकी, उन्होंने बच्चा पांडे को गैर कानूनी तरीके से हमारी हवेली भेजी, हमारे घर भेजा, हमें डराने की कोशिश की, हमें धमकी दी पीछे हटने की, और हम नहीं डरे। सिर्फ इतना ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने हमारी पत्नी को अपने घर बुलाकर उसकी इज्जत उतारने की कोशिश की, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ये सब कुछ लिखिए रिपोर्ट में। आप देखिए,